समझ समझ के ही समझ रहे हैं। स्टेप ऑफ, नॉर्मल स्टेप होता है, स्टेप चला गया, नॉर्मल ये है, अब स्टेप आया है, मैं छोड़ दूंगा तो पीछे चला गया, अब स्टेप गैप हो गया। नॉर्मल पेशेंट में नी ऐसे होता है, 1 सेंटीमीटर फीमर से टिबिया आगे होती है, जो पीसीएल का काम होता है रखना। अब पीसीएल टूट गया तो ये भाग गया है, ये काम। तो ऑलवेज पीसीएल के अंदर ये ऐसे होना चाहिए जो मैंने खींचा है। बट व्हेन पीसीएल ब्रोक, स्टेप ऑफ खत्म हो जाता है। व्हेन वी कंपेयर विद अनदर, ये स्टेप है पहले से, ठीक है ना, सॉलिड, कोई आगे पीछे नहीं, एंड स्टेप प्रेजेंट ये। और अगर हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, और अगर दोनों को मैं ऐसे खींचूंगा तो एक सैग लग रहा है, ठीक है ना, ये सैग है, ठीक है ना, इसमें देखिए ये ऊपर है, ये देखो, ये लॉस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। इसके अंदर ये स्टेप निकला हुआ है, ऊपर से आएंगे हम नीचे, ये स्टेप, इसमें वो गायब है फ्लैट। हम जब ऑपरेशन करेंगे तो इसमें ये स्टेबल बैठ जाएगा और स्टेप आ जाएगा। तो अब जब भी भागता हुआ ये पीछे भाग जाता है इसका पैर, ठीक है ना, ऐसे ये रहा, दिस इज योर पीसीएल, ठीक है ना, ये पीछे जा रहा है। ACL के अंदर में वो आगे आता है और आगे आ जाएगा, बिल्कुल अनस्टेबल है, बट दर्द कुछ नहीं होता, दर्द नहीं हो रहा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, पेन नहीं होगा नी के अंदर, नी लचक मारेगा, नी अनस्टेबल होगा, ये देखो। इसलिए आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे, आप दौड़ नहीं लगा पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये रॉक सॉलिड, ये देखो, इसके लिगामेंट ठीक है, ठीक है ना, क्लासिफाइड।